तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट ट्रेडर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में मंडे को किस तरीके से मूव हमको देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। और यहां पर नोट कि जो FNO टैक्स लगने वाला है या र्यूमर्स जो भी हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन जरूर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। छोटा वीडियो रहेगा, क्रिस्प एनालिसिस रहेगा। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में हमें क्या मार्केट होने वाला दिखाई पड़ता है मंडे को। और एक बारी वर्ल्ड मार्केट्स का भी यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं। तो US फ्यूचर्स फ्लैट हैं, डाउ जोन्स फ्लैट हैं, नैसडेक भी फ्लैट है। यहाँ से कुछ हमें बहुत उतार चढ़ाव के संकेत फिलहाल कल के लिए तो अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। US मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी चलते हैं हम सीधे निफ्टी के चार्ट में, और निफ्टी के चार्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, एक बारी लेवल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा कॉशियस हमें होना पड़ेगा यहाँ पर, वरना हमारा जो गेन हमको मिला है पिछले कुछ दिनों में वो उड़ भी सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको लेके चलूँ तो आप देख रहे होंगे कि हमने क्या किया था, निफ्टी में एक चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड किया था मार्केट ने। अब क्या हुआ, ये अपने चैनल पैटर्न के अपर लेवल पर पहुंच तो गया और इसने इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया है। अब हो क्या रहा है, ये ना तो इसके ऊपर जा पा रहा है और ना ही नीचे आ पा रहा है। इस जगह पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, आप जो भी कह लो, एक कंजक्शन जोन में फंस चुका है। हमें यहां से सूनर और लेटर एक कुछ मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अगर मार्केट इस चैनल पैटर्न की रेंज के बीच में होता तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटीज कि यहां पर ये साइडवेज रेंज में जा सकता था। बट अभी क्या वाला फिलहाल की, अभी ये एक अपर रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो अपर रेंज में ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता। इट हैज टू ब्रेक टू द अपसाइड और इट हैज टू ब्रेक टू द डाउन साइड। ब्रेक तो क्या करना है, मतलब रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटीज हैं इस लेवल से, और या फिर इस लेवल से ब्रेकआउट मिलने के चांसेस हैं। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पर थोड़ा हम डिकोड करने का ट्राई करते हैं। लेट्स जंप टू दी 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो पिछले कई दिनों से कोई मोमेंटम ही नहीं है। अगर मैं काउंट करूं यहाँ पर तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो पिछले 9 दिनों से, मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक्स होने वाले हैं और यहाँ पर कोई भी मोमेंटम नहीं मिला है। कोई भी मोमेंटम अगर मैं यहाँ से लगाऊं तो ये लोएस्ट रेंज थी और ये हाईएस्ट रेंज थी। तो कुल मार्केट 300-400 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है और एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो डायरेक्शन में मेरे को लगता है जल्दी जाएगा। यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज भी हैं और ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज भी हैं। अगर मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट रिवर्सल नहीं देना तो मार्केट क्या करेगा, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट लेगा। रिट्रेसमेंट लेने के बाद जरूर टाइम स्पेंड कर सकता है, मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ। रिट्रेसमेंट लेने के बाद हो सकता है ये 1-2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए साइडवे चला जाए, 1-1.5 महीने के लिए तो नहीं जाएगा क्योंकि बजट आने वाला है, फिर यहाँ से मूव देगा। लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा टाइम स्पेंड अब नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए लेवल्स के ऊपर देखते हैं कि क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। निफ्टी का जो फर्स्ट लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज द 23,410, यानी कि 23,410, जो कि आपका ये वाला सपोर्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। इस लेवल पर कहीं अगर हमको मार्केट निफ्टी सपोर्ट लेता दिखाई पड़े, या मॉर्निंग में मान लो छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो, या एक शार्प यहाँ पर डाउन मूव आए, या ऐसा भी हो सकता है कि मान लो गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन हो जाए, ठीक है, उसके बाद फिर से ये 23,410 23,410 को सस्टेन करने का ट्राई कर रहे हैं, तो भी ये लेवल हमारे लिए क्या रहेगा, तो भी ये लेवल हमारे लिए वैलिड रहने वाला है बाइंग साइड के लिए। सो दिस इज अवर फर्स्ट बाइंग लेवल। जो हमारा सेकंड बाइंग लेवल दोस्तों रहने वाला है दैट विल बी 23,200। अब आपके मन में सवाल आएगा कि 23,200 तो यहाँ कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा चार्ट पे। जी बिल्कुल, ये बहुत नीचे है। इन केस ऑफ द रिवर्सल, जैसे कि मैंने कहा, हम डेली टाइम फ्रेम पर, मैंने अभी आपको बताया हम क्या कर रहे हैं, हम टॉप में ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ से कोई गैप डाउन या एक शार्प करेक्शन आता है, शार्प रिट्रेसमेंट आता है, तो मार्केट 23,160 23,150 के आसपास आएगा। अब यहाँ पर अगर हम बाइंग का सोचेंगे तो रिस्की है क्योंकि नीचे भी जा सकता है। सो फॉर द कंफर्मेशन हम क्या कर सकते हैं कि एक बार 23,150 160 आए, और उसके बाद अगर 23,200 के ऊपर ब्रेकआउट देता है या उसके ऊपर निकलता है, तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दीज आर द टू बाइंग लेवल। आपके मन में अगेन एक सवाल चल रहा होगा कि क्या ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज है, क्या हम ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाया, हम टॉप में ट्रेड कर रहे हैं, तो देयर इज वेरी हाई चांस ऑफ रिस्की ट्रेड कि हम अगर टॉप में ट्रेड करते हैं तो बहुत रिस्क उसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो इसी रीजन से टॉप में ट्रेड ब्रेकआउट नहीं करना है। उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा कि भाई मार्केट में अब एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट मिल रहा है, अब हम ब्रेकआउट के लिए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हमें इन लेवल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। अब आती बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर निफ्टी में सेलिंग आती है तो कहाँ पर करनी चाहिए। निफ्टी का जो पहला सेलिंग लेवल रहेगा वो रहेगा 23,620, 23,620 या 23,640, दोनों चीज़ें सेम ही हैं, वो कहीं आपके इधर के आसपास निकल कर आता है। इन केस ऑफ गैप अप ओपनिंग, अगर मार्केट सीधा ऊपर निकल रहा है तब तो आपको क्या करना है, तब तो आपको करना है सीधे मार्केट को अवॉइड,
ठीक है, तो फिर आप अवॉइड करने का ट्राई करिए। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि यहाँ पर हुआ, देखो गैप अप ओपनिंग हुई, अगेन सेलिंग, गैप अप ओपनिंग हुई, सेलिंग आ गई मार्केट में, गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट में, सेलिंग आ गई। तो ऐसे ही अगर कहीं इधर के आसपास होता है मार्केट, 23,640 या 620 के आसपास ओपन होता है, तो ये लेवल एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करेगा। तो ये तो रहेगा पहला सेलिंग लेवल, बहुत लेवल है निफ्टी में। एक और है, 23,380 के नीचे सेल ऑफ करके आप चल सकते हो, 23,380, 23,380 आपका यहाँ निकल कर आता है। जैसे ही माने कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, आप यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी बैंक निफ्टी। इसीलिए मैं डिटेल में सारे लेवल्स को बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए, और अगर आपको सचमुच में समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक एक लाइक जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए, मोटिवेट करता है कि भाई चलो नई वीडियो बनाते हैं। ओके, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज़ हुई है जो निफ्टी में हुई है, ब्रेकआउट दे दिया है मार्केट ने, लेकिन अभी इस लेवल के ऊपर टॉप में है, तो थोड़ा सा देखो रिस्क तो रहता ही रहता है जब टॉप में ट्रेड कर रहा है। या तो मार्केट क्या करे, यहाँ से सीधा ब्रेकआउट दे दे, जिसकी पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम है, ब्रेकआउट देगा लेकिन थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने के बाद फ्यूल मार्केट भरेगा, और फ्यूल भरने के बाद कोई गाड़ी है मान लो, उसको लंबा रास्ता तय करना है 500 600 किलोमीटर, तो क्या वो खाली टैंक पे जाएगी? नहीं, पहले पेट्रोल पंप पे जाएगी, फ्यूल कलेक्ट करेगी, फ्यूल भरेगी गाड़ी में, भरेगा जो भी ड्राइवर होगा, फिर उसको लेके जाएगा लॉन्ग ड्राइव पे, तभी तो वो चलेगी। तो मार्केट को अगर जाना है तो मार्केट को पहले थोड़ा यहाँ पर क्या कहते हैं, सेलर्स को अपना इकट्ठा करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ऊपर के लिए रैली देगा मार्केट, या फिर नीचे के लिए रैली, जो भी मार्केट का वो होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर के लिए जाएगा एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट लेने के बाद। अब आते हैं लेवल्स पे, छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये रहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पर हम अपना ट्रेड इनिशिएट करें। तो यहाँ पर देखोगे बैंक निफ्टी एक बहुत ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, बट इसको इतनी इंपॉर्टेंस अभी हमें देनी नहीं है। हम ध्यान देंगे कि 51,150 ये क्या रहेगा हमारे लिए, एज अ डिप बाइंग लेवल रहेगा, इन केस ऑफ द मार्केट गैप डाउन, या फिर मार्केट एक शार्प सेलिंग देता है यहाँ पर, और इस लेवल पर कहीं मार्केट अगर बेस बनाने का ट्राई करता है, तो हम यहाँ पर एक बाइक साइड का ट्रेड अपना देख सकते हैं, क्योंकि ये लेवल पर मार्केट पहले भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुका है। अगर आप ध्यान दोगे तो रेजिस्टेंस लिया था, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, तो फिर ये एज अ सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, 51,150। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट बाइंग लेवल। दूसरा बाइंग लेवल, अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आजकल बैंकिंग सेक्टर जो है थोड़ा बजिंग दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा बड़ा मूव आ सकता है। अभी ट्रेड कर रहा है 51,600 पर, लेकिन अगर ब्रेकआउट बाइंग करनी है ना, तो हमको 52,000 के ऊपर ही करनी है, उससे पहले बाइंग के बारे में सोचना भी नहीं है। जब मार्केट फाइनली 52,000 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, प्रॉपर ब्रेकआउट दे जाएगा, तभी ही बाइंग के बारे में सोचना है, उससे पहले बाइंग के बारे में सोचना नहीं है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, 52,000 आपका ये अपर वाली लाइन है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ओके, सेलिंग की बात करते हैं, एक ही सेलिंग लेवल है फिलहाल के लिए फिर निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में, दैट इज दी 51,800। 51,800 का मार्केट अगर ब्रेक डाउन देता, सॉरी रजिस्टेंस लेता है, या इन केस मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपनिंग देता है, आप खुद ही देख रहे होंगे, गैप अप हुआ सेलिंग आ गई, गैप अप ओपन हुआ सेलिंग आ गई, तो ऐसे ही अगर यहाँ पर भी करता है 51,800 पे, तो यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सर उस बारे में भी थोड़ा टॉपिक में बात करिए जो कि हॉट टॉपिक चल रहा है, कि क्या गवर्नमेंट TDS लगाने वाली है FNO ट्रेडिंग पे। तो आप, अगर आपको ध्यान होगा, वैसे तो आपने देख लिया होगा, पर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कल ही एक वीडियो डाली है, 30% टैक इन FNO, अब ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, होगा बड़ा लॉस। इस वीडियो को देखना, पूरे डाउट क्लियर कर दिए हैं, क्या क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप इससे बच सकते हो, इसके बारे में मैंने पूरा डिस्कशन कर दिया है, क्या ये र्यूमर, क्या ये अफवाह है, ये सच है, ये भी मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो इस वीडियो को जाके आप जरूर और जरूर देख लेना, अगर आपको जानना है कि भाई क्या ये चल रहा है मार्केट में। अब चलते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। फिन निफ्टी के चार्ट को भी हम क्या करेंगे, एक बार डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, क्योंकि इसका चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिन निफ्टी के चार्ट में लेवल्स भी काफी निकल कर आए हैं, मैं भी देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था, तो सेम इसमें भी वही है जो बैंक निफ्टी में, लेकिन इसमें लेवल्स थोड़ा सा ज्यादा निकल कर आए हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और इन लेवल्स को समझने का ट्राई करते हैं कि क्या ये लेवल होने वाले हैं जिनको आप ट्रेड करके चल सकते हो। ओके, तो फिन निफ्टी भी सेम उसी तरीके से जैसे बैंक निफ्टी है, एक यहाँ पर काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, बट मैंने जैसे कि कहा इसको इतनी इंपॉर्टेंस हमें भी देनी नहीं है पोल एंड फ्लैग को, क्योंकि पोल एंड फ्लैग भी हर जगह पर ट्रेड नहीं किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक जगह पर किया जाता है। अगर आप देखोगे तो 22,800 ये आपका डिप बाइंग लेवल की तरह काम करेगा, जो कि आपको पता ही है कि मार्केट ने रेजिस्टेंस और मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर लिए हैं। इन केस ऑफ हल्का फुल्का गैप डाउन या फिर शार्प मूव आता है डाउन के लिए, तो ये एक एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है, तो यू कैन नोट डाउन दिस लेवल।
दूसरा 23,150 के ऊपर जब मार्केट हमें क्या कर देगा, ब्रेकआउट देगा। अब 23,150 आपको कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है, इस लेवल के ऊपर अगर फिर निफ्टी ब्रेकआउट दे देता है, और मंडे को मुझे को लगता है ज़्यादा सुटेबल यही होगा ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, 23,150 के ऊपर भी हम एक बाइंग साइड का ट्रेड अपना देख सकते हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर क्या करता है, मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध गया ऊपर, वीक बनाए और हमने बाय कर लिया, फिर तो फंसना ही, फिर तो लॉस कन्फर्म है, फिर तो होना ही होना है। बट अगर थोड़ा सूझबूझ और समझदारी से किया जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट बनने के चांस हैं। ओके, सेलिंग लेवल की बात करूं तो 22,780, 780, 22,780 ये लेवल के नीचे निकलता है, और ये लेवल कहीं मेरे ख्याल से इधर निकल कर आ रहा है, इधर, हाँ इधर ही है, तो इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो फिर निफ्टी में हम यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड इनिशिएट करते, काफ़ी सुंदर स्पेस पड़ा हुआ है डाउन साइड के लिए, अगर मोमेंटम आ जाता है डाउन के लिए। तो ये दोस्तों हमारे लेवल होने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना दोस्तों सब्सक्राइब, और चैनल पे पहली बार हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच।